तो गाइस आज की जो राइड है वो थोड़ी सी डिफरेंट नेचर की है, थोड़ी सी सिंपल रोड है, उसमें थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है। कोकोनट फॉरेस्ट में भी आप लोगों ने सुना होगा, और ज़्यादातर लोगों ने, आई एम थिंकिंग दैट ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा इस लोकेशन के बारे में, क्योंकि पर्सनली मेरे को भी इस लोकेशन के बारे में जब तक कि ग्रुप में डिस्कस नहीं हुआ था, और ग्रुप से याद आया आज की मेरी राइड इज अगेन विद होली सिटी राइडर्स, द बेस्ट ग्रुप ऑफ अमृतसर। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे पता चला इस लोकेशन के बारे में, हालांकि मुझे पता नहीं था इस लोकेशन के बारे में कुछ भी। आप लोगों को स्पेशली ये व्यू दिखाने के लिए, जस्ट हैव अ लुक एट दिस व्यू, इट्स सो वंडरफुल, नेचर इज सो वंडरफुल। जगह चेंज, लोकेशन चेंज, अब हम आए हैं किसी गांव के अंदर। ये वाला रूट लिया है क्योंकि ये वाला रूट शॉर्ट है, और जो हमारे राइडर हैं उनको पता है कि ये वाला रूट है। तो गाइस अभी हम लोग रुके हैं मेहता के पास कहीं। मेरी हालत आज थोड़ी सी ठीक है, थोड़ी सी ग्रूमिंग करवाई थी, नहीं तो ट्रिप के बाद जो हमारा डलहौजी वाला ट्रिप था उसके बाद तो बहुत बुरा हाल हो गया था। तो अभी जो हम लोग रुके हैं मेहता जो फार्म हाउस आपको दिखाया उसके अंदर, और यहाँ से हम लोग जाएंगे आई थिंक थ्रू हर गोविंदगढ़ बीच में आता है, और यहाँ से सिर्फ 15 to 20 किलोमीटर्स है वो फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की काफ़ी सारी एंट्रीज हैं, और वहाँ पे देखने के लिए हमें वैसे तो इतनी नॉलेज नहीं है कि आया, वी आर जस्ट ट्राइंग अ न्यू लोकेशन, पर ऑफ रोडिंग है तो बाइकर्स के लिए बहुत मज़ा है। चेक इट आउट गाइस, जस्ट चेक इट आउट, दोबारा नहीं देखोगे भाई ऐसा व्यू, जो एक बार देखना देख लो। लगाने वाले ने कितनी सिमेट्री में ट्रीज लगाए हैं, और कितने सारे, बहुत ही बढ़िया। आई थिंक फार्मिंग है ट्रीज की, क्योंकि इस साइड पे इनकी कटिंग चल रही है, क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं। ओह, और वो रहे हमारे एक राइडर, यहाँ से घूम के हमें आगे ही जाना है। तो गाइस ये जा रहा है आगे संदीप भैया का हिमालयन, और ऑब्वियसली संदीप भैया चला रहे हैं उसको। इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगर मेरा मन हो तो मैं हिमालयन ले सकता हूँ, और देंगे ही आज मुझे। तो क्योंकि ये एक्चुअल हिमालयन का टेस्ट है, ये जैसे भी डिफ़िकल्ट टेरेन है आगे आने वाला है, वो उसके लिए हिमालयन इज़ द परफेक्ट बाइक। ओह डैम, यहाँ से प्रॉपर फॉरेस्ट एरिया शुरू हो रहा है। सड़क देखोगे बिल्कुल छोटी होगी, एंड वाओ वंडरफुल इट इज़। आई बेट 90% लोगों को नहीं पता होगा कि ये एरिया है पंजाब में है। नाइस वाटर क्रॉसिंग, मेरे बाइक के लिए अनदर हर्डल। बट क्रॉस्ड इजीली।
भाई यहाँ के तो बहुत ज़्यादा टफ ड्राइव। ओह गॉड, कंप्लीट ऑफ रोडिंग। खींचो खींचो। ओके 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 आगे बाहर। मेरे बाइक के स्लैश ने सुन दी भी अगुल में इससे ज्यादा बुरा हाल था। ये मैं झाड़ लिया सारा साफ हो गया। बॉस चलो। हाँ जी बहुत ऑफ रोडिंग हो गई आज। किस करता पे वो मैं तन के चौक पे चलना हूं। जा रहे हैं वापस अमृतसर को। और ये देखो बहुत सुंदर एरिया से हैं ये सारे। अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कोई एरिया मिल जाए, अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाए जहाँ पे खाना मिल जाए। ये देखो ये सब मिलकर इतनी दूध की बोतलें पी गए हैं। और यहाँ पर इतनी अलग पड़ी है। और ये देखो ये देखो ये खुद खीर खा रहे हैं और मुझे बोल रहे ये सामने का मौसम देख रहे हो जो आपको फॉग लग रही है ना, बेसिकली दिस इज नॉट फॉग दिस इज रेन। बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही है कि फॉग जैसा इफेक्ट दे रही है। और इस इतनी ज्यादा बारिश में रेनकोट्स के साथ भी ड्राइव करना इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके। ये देखो सारे रुक गए यहाँ पे। तो अभी सबने रेनकोट्स पहने तब भी सारे गीले हो रहे हैं। ये हमारे कशिश जी एडवोकेट कशिश जी बच्चों के साथ फन कर रहे हैं। बारिश हो रही है हम रुके हुए हैं और ये बच्चों के साथ फन कर रहे हैं। अब उनसे पूछे बारिश गिली है सूखी है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है बाइक चला चला के, बट इट वॉज एन अमेजिंग राइड। एक तो कंपनी अमेजिंग थी, दूसरी जगह अमेजिंग थी, तीसरा मौसम अमेजिंग था। तो आज वाली वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ दे आर अपकमिंग, बहुत सारी ऐसी राइड्स आने वाली है। तो उन सब के साथ ट्यून अप रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और तब तक के लिए हैव अ गुड डे।